हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यूजर द्वारा इनपुट किया गया एलसीएम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसका एक तरीका मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर सबसे पहले पाइथन की आइडियली को ओपन करते हैं। यहां पे मैं सीधा आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये आइडियली है, इसे ओपन करेंगे और जो ओपन होगा वो पहला पेज होगा जिसे हम पाइथन की शेल कहते हैं। ये पाइथन की शेल है। यहां से जाएंगे और यहां पर क्लिक करके न्यू फाइल लेंगे और यहां पर वो कोडिंग आपको दिखेगी। ये प्रोग्राम आपको नजर आ रहा होगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पर सबसे पहले तो मैथ जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा और यहाँ पर एक फंक्शन मैंने बनाया, ठीक है। कैलकुलेट एलसीएम नाम का फंक्शन है और नंबर नाम का एक जो हमने बनाया है वेरिएबल उसको यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर लूप लगाया है मैंने और यहाँ पे रेंज भी लगाया है तो, और यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूज किया। लेंथ हमें क्या करता है, लेंथ बताता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्लोर डिविजन ऑपरेटर है, ठीक है। तो जो पुरानी चीजें हैं उसी के सहारे मैंने इसे बनाया है। यहाँ पर मैप का यूज किया, ये देख सकते हैं यहाँ पे मैप का यूज किया। यहाँ स्प्लिट नाम का जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसको मैंने यूज किया है। एक बार इसको सेव करते हैं और चलाते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल एस करता हूँ इसको सेव करने के लिए और यहाँ पर जाकर के इस पर क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे चलता हूँ। डेस्कटॉप पे ही इसे हम सेव कर देंगे या कहीं भी सेव कर सकते हैं। और इसे मैं एलसीएम के नाम से सेव करता हूँ, lcm.py, क्योंकि पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन .py ही होती है। तो ये .py लगा करके और एंटर कर दीजिएगा। अब यहां से इसको रन करवाने की बारी है तो रन करवा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे कह रहा है एंटर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स स्पेस सेपरेटेड, मतलब कि नंबर्स की लिस्ट स्पेस से सेपरेट करते हुए आप दीजिए। तो यहां 6 दिया, ठीक है, फिर स्पेस दिया 7 दिया, फिर यहां 8 दिया। स्पेस से सेपरेट करना है, कॉमा नहीं देना, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। 8 दे दिया, फिर यहां 9 दे दिया, फिर यहां 10 दे दिया, ठीक है, फिर यहां 11 दे दिया, यहां पर जितना चाहे। यहाँ पर 12 दे दिया, स्पेस से सेपरेट करते हो, अब एंटर करते हैं। तो यहाँ पर इसका एलसीएम कैलकुलेट करके हमें दे रहा है, देख रहे हैं। यानी एक ऐसा प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है मैंने जिसमें आप जितने चाहे उतने नंबर का एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये प्रोग्राम, एक बार फिर से इसको चलाते हैं यहाँ से और चलाने के बाद यहाँ पर फिर एंटर करते हैं। जैसे 55 का, और देखिए यहाँ पर 55 मैंने एंटर कर दिया क्योंकि हमें स्पेस से सेपरेट करना है। तो यहाँ पे F5 करके रन करते हैं दोबारा से इसको, यहाँ से चलते हैं F5 करते हैं ताकि रन हो जाए। और रन होने के बाद स्पेस से सेपरेट करना है, जैसे 55 फिर स्पेस दिया 6 फिर 9 फिर यहाँ पे 77, इन सब का हमें एलसीएम पता करना है। तो एंटर करते ही एलसीएम आपके सामने देख सकते हैं 6930 इसका एलसीएम बनेगा। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन इसकी मदद से आप जितने चाहे उतने, आपकी जितनी मर्जी हो उतने नंबर एंटर कीजिए और एंटर करने के बाद उसका ये एलसीएम बताएगा। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसका एक क्लियर एक्सप्लेनेशन दे करके थोड़ा एक और मॉडिफाई करके थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से इस वीडियो में मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में आपको पूरा एक क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा, ठीक है, ओके।